नाव खींचते हैं और इनसे जानेंगे इनका। आपका प्रणाम। मेरा नाम है राज बहादुर निषाद। तो इस बार जो है निषाद राज का झुकाव किसकी तरफ है, क्योंकि जो है रमेश मिश्रा जी की तरफ से, ऐसा क्यों, क्या कुछ? रमेश मिश्रा यही पुल दिया है बनाने, मतलब ये पुल है? हाँ, बन गया है, माटी वोटी पटेगी, अब इसमें बहुत खतरा हो गया है, इसीलिए मैं ढोंगी चला दिया है। अच्छा, ये कितनी कमाई हो जाती है दिन भर इसमें? मेरी कमाई यही 200-400 हो जाती है, और यहीं गांव देश के लोग जाते हैं, यहाँ यात्री मतलब सब लोग पार करते हैं, बुड़ने उड़ने से बचते हैं। तो वहाँ से भी कुछ लोग निकलते हैं 20 रुपये उसके विषय में। तो अच्छा, ये जो है दिन भर में लगभग आप कितने घंटे मेहनत करते हैं? अरे 18 घंटा 22 घंटा हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है, मतलब लगातार मेहनत करते हैं, लगातार रात भर चलती है ढोंगी। तो क्या कुछ रहेगा मुद्दे इस बार जो है, अगर आप सरकार को चुनना चाहते हैं तो स्टेट में किसकी गवर्नमेंट देखना चाहते हैं? रमेश मिश्रा। स्टेट में मतलब वहाँ पर अखिलेश या फिर योगी? योगी को देखना चाहते हैं। क्या आपको योगी के अंदर क्या कुछ पसंद आ रहा है? क्या योगी के अंदर यही पसंद आ रहा है कि मतलब किसानों के लिए और मतलब सबके लिए हर काम कर दिया है ना, हॉस्पिटल काम कर दिया है, और किसान दे रहा है पैसा कौड़ी, फिर उसके बाद गैस सिलेंडर दिया है, उसके बाद बिजनेस कौनो नौकरी वोकरी लगेगी हम लोगों को अब की साल अगर जीतेंगे तो। अब की बात डॉक्टर सूर्यभान यादव, जैसे कि उन्होंने जो है संजय निषाद पर, जो है निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो है यह आरोप लगाया है कि ये पैसे लेकर के टिकट बांट रहे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? क्या कहें साहब, वो बिक गया है समझ लो, संजय निषाद जी बिक चुके हैं। नहीं, संजय निषाद जी हैं, आइए और लोगों से भी बातें करेंगे, और आप अपना काम करते रहिए ताकि जो है कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और फिर यहाँ पे भैया आ रहे हैं और इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ माहौल रहेगा, और एक हमारे साथ एक युवा भी जुड़ रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे। भैया जी, आपका शुभ नाम? पंचूलाल निषाद है। तो इस बार निषाद लोगों का झुकाव किसकी तरफ है ज़्यादा? भाजपा, बीजेपी, कमल। तो इस बार क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ ध्यान में रख करके आप वोट करेंगे? खास बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि नाव चल गई थोड़ा बहुत जो है। हाँ, सब चीज़ का भाजपा में, सब चीज़ का, देश से लेकर गांव से लेकर सब बढ़िया है, भाजपा सरकार में विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। तो आप संजय निषाद जी को जो देख करके वोट कर रहे हैं, अपनी पार्टी को देख करके वोट कर रहे हैं, या फिर जो नहीं हम काम देख कर वोट कर रहे हैं, योगी जी का काम? हाँ, योगी जी को, और हमारी पार्टी निषाद पार्टी भी उसी तरफ है। तो इसके पहले वो आप जानते हैं उनको, सूर्यभान यादव को जानते हैं? डॉक्टर सूर्यभान यादव नहीं, सूर्यभान मंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने संजय निषाद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर के टिकट दे रहे हैं और लोगों के जो है संवेदनाओं के साथ खेल रहे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, इसके विषय में तो मालूम नहीं हमको, नहीं अभी कल परसों तक ये न्यूज़ आ रही है सामने जैसे, तो पैसे लेकर के टिकट दे रहे हैं इसके विषय में क्या कहेंगे? तो वही आरक्षण, हम लोगों को आरक्षण चाहिए, अगर आरक्षण नहीं दिए तो पार्टी हमारी बदल जाएगी, तो मतलब सीधे सपा में चले जाएंगे हम लोग। तो इस बार सरकार किसकी बन रही है स्टेट में? स्टेट में सरकार बन रही है भाजपा की। स्टेट में भाजपा की सरकार, क्या कुछ चीज़ें अच्छी लगी आपको भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में सब चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो अयोध्या का मुद्दा था वो अभी फाइनल हुआ, और काफ़ी काम हुए हमारे यहाँ, निकालना है, काम किए हैं भाई, हमें जात पात से नहीं मालूम, काम किए हैं रमेश मिश्रा, बहुत काम किए हैं, और हर महीने में एक बार दो बार, मतलब अभी ये नहीं है कि इलेक्शन नज़दीक है तभी आ रहे हैं, बराबर फील्ड में दुखे सुखे में भाजपा हमेशा जो है वो रमेश मिश्रा जी फील्ड में आते हैं, जाते हैं गाँव में सबके यहाँ पे, और सब लोग हैं जो है, देखिए जो है काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से नाव से यहाँ से पार होते हैं, लगभग जो है रोज ही यहाँ से पार होते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि इनसे कुछ थोड़ा बहुत क्या कुछ माहौल रहेगा, हम जैसे कि नाव पर से उतर करके नीचे आए हैं, यहाँ पर एक भैया खड़े हैं, आपका नाम भैया? कमलेश कुमार बिंद। तो क्या कुछ माहौल रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव में हम लोग बाबा दुबे को वोट देंगे। क्या अभी भैया तो कह रहे हैं जो रमेश मिश्रा जीत रहे हैं? जीत कोई भी रहा हो, हम लोग को जो चुनाव करना है वही तो रणनीति है। तो बाबा दुबे को देख करके वोट कर रहे हैं या फिर अखिलेश को? नहीं, बाबा दुबे को देख कर वोट कर रहे हैं, अखिलेश को देख कर नहीं कर रहे हैं, ये तो कन्फर्म है। तो बाबा दुबे का क्या मतलब है, क्या कुछ उनके कामों के विषय में कुछ गिना सकते? हर समय हम लोग बाबा दुबे को वोट देते हैं, चाहे हारे हो चाहे जीते, कन्फर्म। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।